चैंपियन चैंपियन चैंपियन, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया यार, कर दिखाया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी, दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत के। मैं कहता हूँ वो जो एक बैड लक था फाइनल सेमीफाइनल का, कल चकना चूर गला भी खराब हो गया यार, गला भी खराब हो गया। तो पहले बहुओं का वीडियो देखते हैं यार, साथ सेलिब्रेट करेंगे, बाकी आखिर पे बातें करते हैं। कटो करते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया में ये गाना फैला दो कि सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी। नमस्कार, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। अगर आपको आवाज थोड़ी कम आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ा लेना, क्योंकि मैं चीख चीख कर अपना गला बिठा चुका हूँ, लेकिन मेरे बैठे हुए गले का कोई गम नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो ट्रॉफी उठाई है ना, उसके सामने ऐसे हजार गले कुर्बान। देखो आप लोग, ये स्क्रीन पर जो पिक्चर आ रही है उस पिक्चर को देखो, रोहित शर्मा के हाथ में ICC ट्रॉफी को देखो, टीम इंडिया के हाथ में ICC ट्रॉफी को देखिए, राहुल द्रविड़ के हाथ में ट्रॉफी देखिए। ऐसा लग रहा है कि कितने सारे सपने एक साथ सच हो गए। रोहित शर्मा ये ट्रॉफी डिजर्व करते थे, सबको पता है। राहुल द्रविड़ का आखिरी कोचिंग असाइनमेंट था, उनको भी क्या कुछ नहीं सुनाया गया। टीम इंडिया ने 17 साल का इंतजार किया इस ट्रॉफी को वापस उठाने के लिए। ध्यान से देख लीजिए इस ट्रॉफी को, ये ट्रॉफी नहीं है, इमोशन है। वो इमोशन तो 17 साल पहले हमने साउथ अफ्रीका में महसूस किया था, और कल साउथ अफ्रीका को हरा कर महसूस किया। मेरा दिन, हफ्ता, साल, महीना, जिंदगी बन गई भैया। ऐसा लग रहा है कि सूखी जमीन पर तूफानी बारिश हो गई है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी है कि विराट भाई ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली है। उन पर कल एक अलग वीडियो करेंगे, लेकिन फिलहाल उनको T20 वर्ल्ड कप उठाते हुए देखकर कितनी खुशी हो रही है। IPL में भले ही ना हुआ हो ये विराट कोहली के लिए, लेकिन वर्ल्ड कप में हो गया है। क्या ई साला कप नम दे। लेकिन ये कप आने से पहले टीम इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता। रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग ली, और फिर पहले ही ओवर में जो विराट कोहली ने 3 चौके लगाए, तो हमें लगा कि साउथ अफ्रीका वाले सफेद झंडा दिखा दें, क्योंकि ये कप तो हम ही लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिर ICC टूर्नामेंट का नॉकआउट मैच हो और हमारा टॉप ऑर्डर हमको हार्ट अटैक न दे, ऐसा कैसे हो सकता है। बेन स्टोक्स हमारे इस टूर्नामेंट में अब तक के बेस्ट बल्लेबाज रहे, कैप्टन रोहित शर्मा आउट हो गए। फिर ऋषभ पंत ने भी एक बहुत ही खराब शॉट खेला, और सूर्य कुमार यादव भी छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर लटक लिए। दिक्कत ये नहीं थी कि आउट हो रहे थे, दिक्कत ये थी कि एक बहुत बढ़िया पिच पर, जहां ना गेंद स्विंग कर रही है, ना सीम हो रहा है, और ना ही गेंदबाज कोई बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। हमें लगा कि हमारी गलती से ही हम हार जाएंगे, लेकिन अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल खेल रहे कोहली ने मास्टर क्लास दिखाई, और ये बता दिया कि वाकई में जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। यही बात रोहित शर्मा ने भी सेमीफाइनल में कही थी कि विराट अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा कर रखे हुए हैं, और विराट ने वही किया, एक एंड संभाल कर रखा, और जैसे डेथ ओवर शुरू हुए विराट कोहली ने गेंदबाजों की डेथ कर दी। 59 में 76 बनाकर कोहली ने खराब शुरुआत के बावजूद भारत को 176 तक पहुंचा दिया, जो कि भारत के लिए फाइटिंग टोटल था। विराट के T20 परफॉर्मेंस के बारे में बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर फाइनल में सबकी बोलती बंद हो गई। किसने करी? विराट भैया ने। विराट के बारे में अभी आर्टिकल देखा, इसमें विराट के लाइफ कि हर अचीवमेंट या इवेंट को एक एस्ट्रोलॉजर ने 2016 यानी कि आज से 8 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। कब उनकी शादी होगी, कब उनकी लाइफ में एक डाउन फेज आएगा, ये सब कुछ उस एस्ट्रोलॉजर ने 2016 में ही प्रिडिक्ट कर लिया था, और ट्विटर पे पब्लिश भी कर दिया था। मैं भी कभी-कभी सोचता हूं कि अगर हम भी एक्टर्स या क्रिकेटर्स की तरह अपने बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में पहले से अगर जान सके और सबका जवाब अगर मिल पाए तो कितना बढ़िया होता। जैसे सबके मन में क्यूरियोसिटी होती कि उनकी शादी कब होगी, किससे होगी, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होगी, टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये सबका जवाब अगर मिल पाए तो बढ़िया होता। मुझे हाल ही में अपना घर खरीदना था और उसके लिए मुझे क्वेरीज थी, तब मुझे एक ऐप मिली एस्ट्रोटॉक। आप यहां किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करके अपनी कोई भी डाउट्स या आंसर्स को उनसे ले सकते हैं। मैंने भी यही किया, एक एस्ट्रोलॉजर भारती जी से मैंने बात करी, उन्होंने मुझसे मेरी बेसिक डिटेल पूछी, बाद में यह भी प्रेडिक्ट करके बताया कि घर को लेकर मेरी जो क्वेरी थी वो सारी सॉल्व कर दी, और उसके सॉल्यूशन में यह बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, मैंने वही फॉलो किया और वैसा ही हुआ, आज मेरा खुद का घर है। सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, किसी की रिलेशनशिप में दिक्कत होती है, किसी की शादी में प्रॉब्लम्स, या डाउट्स को सोचकर वो सॉल्व नहीं होंगी। आपको एस्ट्रोटॉक ऐप पर जाना है, फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री मिलेगी, एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, अपने डाउट को करिए आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहीं से इस ऐप को डाउनलोड करिए। फिलहाल वीडियो पे वापस आते हैं। साउथ अफ्रीका को 177 बनाने थे, लेकिन पावर प्ले के अंदर उनके 2 विकेट गिर गए। एक बार फिर हमें लगा कि साउथ अफ्रीका वाले चाहें तो यहां पर भी हार मानकर हमें ट्रॉफी दे दें, हमारा टाइम बच जाएगा। लेकिन भाई क्लासन ने उसके बाद जो गदर मचाया है, वैसा तो सनी पाजी ने भी पाकिस्तान जाकर गदर नहीं मचाया था। भाई ने ऐसे पेलना शुरू किया जैसे IPL में खेलने के इनको पैसे ना मिले।
हो। धीरे धीरे विन प्रेडिक्टर में भारत से ज्यादा परसेंटेज साउथ अफ्रीका का होने लगा। कभी कभी किसी तरह अपार आनंद दुख में परिवर्तित हो जाता है, ये मुझे अनुभव हुआ। और जब क्लासन ने एक ही ओवर में अक्षर पटेल को 24 रन लूट लिए ना भैया, तब तो मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। यहाँ पर जीतने के लिए मात्र 30 में 30 चाहिए थे साउथ अफ्रीका को। जी हाँ, हमें लगा कि मुन्ना भाई के आनंद ने भी कुछ महसूस कर लिया होगा, लेकिन हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैं सोचने लगा कि पता नहीं हम लोगों ने कौन से नींबू पर पैर रख दिया था, जो कि ये फाइनल की पनौती हमारा साथ नहीं छोड़ रही। ये कौन सी नजर है जो हर टोना टोटका करने के बाद भी नहीं उतर रही। ये मैं सोच ही रहा था कि हार्दिक पंड्या ने क्लासन का विकेट ले लिया और फिर अगले ओवर में बुमराह ने बॉलिंग जो की है, जो मास्टर क्लास दिखाई है, शास्त्रों में उसे ही परफेक्शन कहा गया है। मुझे तो लगा कि अकेले उस ओवर के लिए बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच देना चाहिए था। ये इस ओवर का ही असर था कि 30 में 30 का इक्वेशन एक ओवर में 16 आ गया। आखिरी ओवर फेंकने आए पंड्या के सामने डेविड मिलर की चुनौती थी, लेकिन अखिलेश के बाद जून के महीने में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार दूसरे यादव बने और बाउंड्री पर बेहतरीन कैच पकड़कर साउथ अफ्रीका का गेम सेट और मैच कर दिया। साउथ अफ्रीका ने अपने चोकर के टैग को जस्टिफाई किया और इस तरह रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी के बाद T20 वर्ल्ड कप उठाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। धोनी से याद आया ये मैच भी भारत ने 7 रन से जीता है। थला फॉर अ रीजन। इस मैच के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कहानियां सुनानी है और बहुत कहानी आपसे सुननी भी है। अपनी वाली तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। हम आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके जाना भारतीय टीम के लिए कुछ बढ़िया सा कमेंट सेक्शन में। यार वीडियो खत्म। यार सबसे पहले रोहित के कन्फर्म करो यार, रात को मैंने नहीं हो गया रोहित शर्मा ने 1 बजे तक 2 बजे तक देखा। मैंने भी देखा, लेकिन वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से किए ना, तो उन्होंने कहा यार कि हाँ मेरा ये लास्ट जो है ना वर्ल्ड कप था। अच्छा, वर्ल्ड कप लास्ट अभी तक रिटायरमेंट लास्ट मैच भी था उन्होंने बोला है शायद। मैंने ये गाइस कंफर्म करो यार, नहीं उन्होंने रिटायरमेंट नहीं यार बउआ बोलते भाई अगर लिए तो यार इन्होंने विराट कोहली का बोला है उनका ना बोलते, ये हो सकता है भाई आप भी भाई नहीं लिए अभी तक नहीं लिए। लेकिन यार मैं कहता हूँ यार मजा आ गया यार, यकीन करो जो खुशी कल रात को मिली एक टाइम पे डर भी था, लेकिन जो खुशी बहुत ज्यादा था यार। क्लासन ने थोड़ा खौफ मचा दिया था। 30 हो और 24 पे 26 हो यार, कोई भी कह सकता है। विक्टर उनके पास बाकी हो, टॉप के बैट्समैन उनके खेल रहे हो, तो कोई भी बोल सकता था कि यार ये जीत जाएंगे। लेकिन फिर असल में यार गेम असल में अगर देखा जाए ना, जो पाकिस्तानी वो क्या नाम था उस लड़के का, मोमिन साकिब उसका मुहावरा फिट बैठता है एकदम से, बदल जिंदगी बदल जिंदगी बदल सच में असल वो बैठा था। वो था फिर यार, और उसके पास जो लहरा दो म्यूजिक लगे थे लहरा, अच्छा उसके बाद बाकी जो विराट कोहली भी जो है उधर उसका मतलब यार हर खिलाड़ी रोया है, हर खिलाड़ी रोया यार, कोच से लेकर हर खिलाड़ी तक रोया है यार भाई। मोमेंट ये देखो 17 साल बाद बताऊं, 11 साल बाद क्रिकेट की इज्जत, क्रिकेट से प्यार इंडियन से कोई सीखे। ऑस्ट्रेलिया जीत कर पांव ऊपर रखा था, चूम रहे थे भाई ऑस्ट्रेलियंस, और फिर भाई ऑस्ट्रेलिया फर्क है इंडिया में और ऑस्ट्रेलियंस कोई बंदे हैं भाई। और दूसरी मेन बात यार मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई माने या ना माने, सूर्य कुमार ने जो कैच लिया था ना, वो समझो उसने वर्ल्ड कप ले लिया, वर्ल्ड कप कैच कर लिया था, नहीं तो मिलर ने मार जाना। वरना सच बताऊं वो छक्का हो जाता ना, अगर वो छक्का हो जाता उसके बाद मिलर 5 बॉलों पे 10 रन उसके लिए कुछ नहीं था। हाँ। वो कुछ भी शुक्र है मिलर गया, वो शुक्र है। लेकिन आपका क्या कहना है, कैसा फील कर रहे हो कमेंट में बताना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।